अच्छा तो आप कल की अवतार को ढूंढ रहे हैं, परंतु कल की अवतार को ढूंढना तो छोड़िए, पहचानना भी कठिन है एवं अनेकों के लिए असंभव भी। ऐसा भविष्य मालिका के अनेकों ग्रंथों में वर्णित है और ऐसा सत्य भी हो रहा है, क्योंकि हिटलर हो या पुतिन, अमेरिका हो या इंग्लैंड, करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, दुनिया के टॉप सीक्रेट सर्विस एजेंट्स लगे हुए हैं, परंतु मिला तो केवल शून्य तेल नमक के इस संसार में। जब इतने बड़े महारथी विफल हो गए, एक साधारण सा मनुष्य आखिर कैसे पहचानेगा महागुप्त कल्कि अवतार को? जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। 1924 से 1928 तक रशिया के दो नागरिक निकोलस एवं हेलेना, जो कि सनातन एवं बौद्ध धर्म से अत्यंत प्रभावित थे, संभला की खोज करने निकल पड़ते हैं। उनके अनुसार संभला का प्रवेश द्वार मध्य एवं पूर्व एशिया के अल्ते माउंटेन्स में है, परंतु उनका खोज विफल रहा। सोवियत एरा के समय सोवियत सीक्रेट पुलिस एवं सोवियत फॉरेन कमिशरियत ने अलग अलग अभियान किए थे संभला की खोज करने के लिए। उनके अनुसार संभला तिब्बत में है, परंतु उनका खोज भी विफल रहा। 1930 में हिटलर ने प्रोजेक्ट संभला लॉन्च किया था, जिस प्रोजेक्ट के तहत एक स्वतंत्र सैन्य दल का गठन करके तिब्बत के पहाड़ों में संभला नामक नगर को खोजने का प्रयास किया गया था, परंतु उनका खोज भी विफल रहा। ये सभी जानकारी गूगल पर उपलब्ध है, आप खुद देख सकते हैं। परंतु ये संभला आखिर है क्या? संभला को सांग्रीला या फिर संभलनग्र भी कहा जाता है, वही संभलनग्र जिसका वर्णन हमारे पुराणों में एवं भविष्य मालिका में मिलता है। इसी संभलनग्र में जन्म हुए हैं कल्कि अवतार। यदि ऐसा है तो फिर आज तक इसे कोई खोज क्यों नहीं पाया? पंच सखाओं में श्रेष्ठ गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था, घोरो कोली महा घोरो तमो अच्छा दिब, घट गुप्त वही बुझे के ही न जानिब, घरणिया पणरे जे हरुथिबि दिन घोसे दिन अच्युत जे ए कथा प्रमाण। अर्थ, घोर कलियुग के काल में मैं गुप्त रूप से जन्म लूंगा, संसारिक बनकर दिन रात अच्युत का वाणी स्मरण करता रहूंगा। कलियुग एक ऐसा युग जिसमें झूठ, अन्याय, अत्याचार, पाप, अधर्म अपने चरम पर है। मनुष्य एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं, जानवरों को काट काट कर खाया जा रहा है, पुरुष नारी पर अत्याचार कर रहे हैं, नारी पुरुष पर, बच्चे अपनी संस्कृति अपने धर्म का पालन नहीं करते, समग्र संसार नरक में परिवर्तित हो चुका है। यदि ऐसी परिस्थिति में कल्कि अवतार सबके सामने आकर भी कह दे कि मैं कल्कि अवतार हूँ, तो आधे तो उनका मजाक उड़ाएंगे, आधे उनको गाली देंगे, और जो विश्वास करेंगे वे अपने लोभ प्राप्ति के चक्कर में रहेंगे, प्रसाद के लिए दुकानें लग जाएंगे, दर्शन के लिए टिकट बेचे जाएंगे। परंतु प्रश्न है, क्या इससे पुनर्वार पृथ्वी पर सत्य, धर्म, न्याय का स्थापना हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। गुरुदेव आगे कहते हैं, नौ पाइबे भक्ते खोजी भ्रमी नाना देश, निजे ख्यात करी बुझे तू ही रामदास, लीला करू थी भी मु गुप्त भावरे निष्ठा करी कहिले जे अच्युत गीतरे। अर्थ, मेरे भक्त मुझे बहुत ढूंढने का प्रयास करेंगे, नाना देश में जाकर खोजेंगे, फिर भी मैं उन्हें नहीं मिलूंगा। मेरा लीला महागुप्त है, जिसका प्रचार केवल शिष्य रामदास ही करेगा। अब ये रामदास कौन है? गुरु अच्युतानंद जी के सबसे प्रिय शिष्य रामदास, जिनको सभी पंच सखा बहुत आदर करते थे एवं जिन्होंने भविष्य मालिका के अधिकांश ग्रंथों को अपने हाथों से लिखा है। आज भी नेमाड़ो धाम के निकट रामदास जी का परिवार निवास करता है, जिनके घर में लाखों ग्रंथों का भंडार सुरक्षित रखा गया है। कल्कि अवतार को प्राप्त करना वर्तमान के कलयुग में बहुत कठिन है। स्वच्छ मन, कोमल हृदय, भक्ति एवं प्रेम भाव के साथ ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। इनके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अगली बार यदि कोई अपने आप को कल्कि कहे, या फिर कोई पंडित अपने बेटे को कल्कि बनाकर नौटंकी करे, तो सीधा कान के नीचे खींच के देने का, ताकि उसे अपने पूर्वज याद आ जाए एवं उसका मानसिक संतुलन सुधर जाए। अंत में विचार तो आप ही को करना पड़ेगा कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे कल्कि को
प्राप्त करने के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि तिब्बत पर किस देश ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा है? जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याय में प्रकाशित करूंगा। पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है। सही उत्तर है कीव। विजेता का नाम है धीरज कुमार। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सत्य हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।